अमेरिका के साथ शांति समझौते के बाद अफगानिस्तान में दहशत का खेल अब भी जारी है। आम नागरिकों के साथ साथ अफगान सैनिक भी लगातार दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। मंगलवार को बल्ख जिले में एक आत्मघाती कार हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मरने वालों में 2 सैनिक भी शामिल हैं, जबकि 6 सैन्यकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं। यह आत्मघाती हमला अफगानिस्तान में सुरक्षा बलों के शिविर को निशाना बनाकर मिलिट्री बेस के करीब किया गया है। अफगानिस्तान लगातार आतंकी हमलों का शिकार हो रहा है। इसी महीने कई बार दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान को दहलाया है। तालिबान और अमेरिका के बीच फरवरी में ही शांति समझौता हुआ था। इसका मकसद विद्रोहियों और अफगान सरकार के बीच बातचीत के जरिए दशकों से चले आ रहे युद्ध को खत्म करने का रोड मैप तैयार करना था, लेकिन इस समझौते के बाद भी तालिबान ने अपने हमले जारी रखे हुए हैं।